हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। रजम आ चुके हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ के साथ राजकमल ने चैप्टर का नाम है एंगल्स, और रजम आ चुके एक नए चैप्टर के साथ। प्रॉब्लम सेट नंबर 24 कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो ये नया चैप्टर है, हम इसमें हमारे जो प्रॉब्लम सेट नंबर है वो सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में सारे जो प्रॉब्लम सेट नंबर जो दिए हैं वो सारे इजी इजी है, तो अगर आप पढ़ लोगे ऊपर जो दिया है, तो अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको उसका कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में पी क्यू आर दिया है, और ये एंगल का नाम है, ठीक है। वर्टेक्स क्यू है और आर्म्स है क्यू पी और आर क्यू। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे टेबल को कंप्लीट करना है जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो एंगल का नाम क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल का नाम है हमारे हमारा एंगल का नाम है एल एम एन, वरना तो ठीक है ये पहला वाला नाम हो गया एल एन एम, वरना तो दूसरा नाम क्या होगा एन एम एन। तो दोस्तों हम इसमें क्या देख सकते हैं, तो हम इसमें हमारे नाम ले लेंगे सबसे पहले, फिर इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या है एम है, तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका वर्टेक्स पॉइंट एम, ये भी हो गया, ठीक है। अभी आर्म्स क्या है, इसके आर्म्स है एल एम और एन एम, ठीक है ये हो गए हमारे आर्म्स, ठीक है एन एल एन एन एल, ठीक है एम एल ये हो गए। अभी नेक्स्ट क्या है एस टी यू, तो अभी नेक्स्ट वाला नया जो है एंगल उसके हम नाम्स लिख लेते हैं, तो एस टी यू है उसका नाम, एक तो एस यू टी और दूसरा नाम क्या हो सकता है दोस्तों टी यू एस, ये हो गए दो नाम इसके। अभी वर्टेक्स पॉइंट क्या है यू, ठीक है वर्टेक्स पॉइंट किसको बोलते हैं इसे, यहाँ पे भी ऐसा पॉइंट आता हो जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रही हो इसे वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अभी आर्म्स क्या है इसके, इसके आर्म्स है यू एस एंड यू टी, हो गया दोस्तों हमारी पहली जो प्रॉब्लम सेट नंबर है हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट में, प्रॉब्लम सेट नंबर 25 में, तब तक के लिए गुड बाय।